साहब, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 30 सालों से हम ये अपनी मांगे जो है उनको मांग रहे हैं सरकार से। आज जहां हम बैठे हुए हैं, इस जगह को गुरु नानक देव जी ने 1517 में अपने मुकद्दस पांव से सरशार किया है, तो इसी जगह पर हम बैठे हैं। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी नागावाल अनंतनाग है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जैसे पता है कि कश्मीरी सिख जो है उनके लिए इस वक्त जो बेरोज़गारी है वो सबसे बड़ा तशवीश का बायस बना हुआ है। तो आज जो एलजी साहब हैं जम्मू कश्मीर के, इनसे हमारी तीसरी मुलाकात हुई है जब से वो एलजी बने हैं। पहली मुलाकात उनकी मटन में हुई हमारे साथ, तो हमने उनको अपनी डिमांड्स रखी, वहाँ भी बड़ी अच्छी तरह से हमने रखी और उन्होंने हमें वादा दिया कि हम आपकी डिमांड्स जो हैं कश्मीरी सिखों की वो पूरी करेंगे। उसके बाद दूसरी मुलाकात मेरी उनसे हुई आज से 7 महीने पहले गवर्नर हाउस राजभवन श्रीनगर में, वहाँ भी यही डिमांड्स रखी। तो कल इस आज 5-7 दिन पहले 9 तारीख को हमारी एक मुलाकात उनसे फिर हुई। तो एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि कश्मीरी सिख जो है उसके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारे नौजवान जो है सारे पढ़े लिखे हैं और बेरोज़गार हैं। इस वक्त क्या कश्मीरी सिख जो यहाँ रह रहा है, क्योंकि कश्मीरी सिख कश्मीर का पुश्तनी बाशिंदा है, हमारे साथ सबसे बड़ी बेइंसाफी ये है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो हैं वो रोज़गार के लिए उनके पास कोई भी ज़राए नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बेरोज़गारी, जो एक तशवीश का बायस बनी हुई है। हम बार बार गवर्नमेंट से इल्तजा कर रहे हैं, कम से कम हमें आज 20-25 साल हो गए हैं ये इस डिमांड को मांगते हुए, लेकिन हमारी तरफ कोई भी तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही है। आपको पता है कि कश्मीर में जो पंडित रह रहे हैं नॉन माइग्रेंट, उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज का कोटा दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। तो इस यही कोटा हम लोग भी मांग रहे हैं जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं इस वक्त, जो कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे हैं। हमारे लिए जो बेरोज़गारी है वो एक बहुत बड़े तशवीश का बायस बना हुआ है। तो तमाम जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ हैं और जो हमारे पूरे कश्मीर के जो सरदार खिदमतगार हैं कौम के, वो आज 22 साल से लगातार उनका एहजाज हो रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड रख रहे हैं। हमारी यही मेन डिमांड है और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी जिनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है, सुतेली मां का सलूक किया जा रहा है, लेकिन हम भी पीछे बैठने वाले नहीं है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर। हम बैठने वाले नहीं है, अजीब सा बंदा है, मंजिल पर जाकर भी नहीं रुकता है। हम आपको पता है कि सिख जो होते हैं सिंह जो है ये शेर है, हमें ये हमारा पुश्तनी हक है और हम ये हमें सरकार ने हमारे पर कोई एहसास नहीं रखना है, ये हमारा हक है। हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं पिछले 22 सालों से। तो गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई गवर्नर हाउस में 9/2/2020 को, उन्होंने हमारी डिमांडों को बड़े प्यार से सुना, उनको हमने बड़े प्यार से समझाया और उन्होंने हमें एक एश्योरेंस दी है कि हमने गवर्नर साहब से कहा है कि गवर्नर साहब जी, जिस तरह आप कश्मीरी नॉन माइग्रेंट पंडितों को कश्मीर में आप प्राइम मिनिस्टर पैकेज दे रहे हो, इसी तरह से जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज दिया जाए, जिसकी हमें बहुत हमारी दीर्घना मांग है, तो इसको पूरा किया जाए। यानी जी ये बताइए कि आज तक आपने बहुत इसके लिए लड़ा है, बहुत बार ये मुद्दा उठाया है जो सबका सरकारें थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इस हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि आपका इस्तेसाल हुआ है माजी में? और आप किस मसले को लेके आप बोल रहे हैं कि हमें अलग पैकेज मिलना चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडितों को जो है उनको भगाया गया है एमरजेंसी के दौरान, आप यहाँ से ना भागे यहाँ कभी या कुछ माइनॉरिटी जो थी यहाँ पे। और देखो कश्मीरी सिख जो यहाँ रह रहा है, हम अकलियत में है ना, हम अब क्योंकि जो कश्मीरी सिख है ना कश्मीर में जो रह रहा है, ये किसी भी जुमरे में नहीं आ रहा है, पैकेज की किसी भी जुमरे में नहीं आ रहा है, ना कोई बैकवर्ड है, ना SC है, ना ST है, किसी जुमरे में नहीं आ रहा है। ये कितना बड़ा कितनी बड़ी बेइंसाफी हमारे साथ है। हम यहाँ अकलियत में हैं, हमें अकलियत का दर्जा भी आज तक नहीं दिया गया है, पिछले 30 सालों से हम ये मांग रहे हैं, नहीं दिया गया अकलियत का दर्जा भी। हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह नॉन माइग्रेंट पंडित कश्मीरी यहाँ रह रहे हैं वो भी अकलियत में है, उनको दिया गया है, तो हमारे साथ क्यों बेइंसाफी की जा रही है? हमें ये मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, पुश्तनी हक है हमारा, इसको हमें ये हमारी डिमांड है, ये हमें मिलना चाहिए।
लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैसे आपने एक क्वेश्चन रेज किया कि जो पिछली सरकारें थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पिछले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं या गवर्नर यहां रह चुके हैं यहां जम्मू कश्मीर के, सबसे हमने मुलाकातें ली, सबसे हम सबके साथ सबके पास गए, हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी बात किसी ने आज तक सुनी नहीं है। ये साबित हो गया है कि कश्मीरी जो सिख हैं उनके साथ सरकार सुतेली मां का सलूक कर रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम कश्मीर के भाषण हैं, पुश्तूनी भाषण हैं यहाँ के, हमें अपना हक लेना आता है और हम लेकर रहेंगे अपने हक को। हम सरकार से रुजू कर रहे हैं कि इसको आप ज्यादा देर ना लगाएं और ये जो हक है हमारा पैकेज का, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो है, ये हमारा पुश्तूनी हक है, ये हमको दिया जाए, ये हमारा हक है, ये दिया जाए, इसमें आप देर ना लगाई जाए। शुक्रिया। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जितने भी कश्मीर में गुरुद्वारे हैं, जो लैंड माफिया जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी जमीनें गुरुद्वारों की खा ली हैं आज पिछले 100-100 साल से, और दुकानों में कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम उनसे भी इल्तजा कर रहे हैं कि भाई ये जो गुरुद्वारा मंदिर या मस्जिद ये पाक जगह है, और इनकी जो जायदाद है या जो दुकानों में आप बैठे हो, 50-60-70 रुपया आप मंथली किराया दे रहे हो, ये बड़ी बेइंसाफी है, इनको छोड़ दो, और जो हमारी जमीन आपने हड़प की हुई है लैंड माफिया से, हम कह रहे हैं उसको भी मतलब उसको वागुजार किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए।